हाय देयर, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेड मसल के बारे में। बट जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले हम ये लर्न करेंगे कि इस स्ट्रेटेड मसल को स्ट्रेटेड मसल क्यों कहते हैं। आप सब ने ज़ेब्रा देखा है। ज़ेब्रा का एक और नाम है स्ट्राइप्ड एनिमल। स्ट्राइप्ड एनिमल हम इस ज़ेब्रा को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट बैंड्स हैं, स्ट्राइप्स हैं, लाइट और डार्क की। आप देख सकते हो लाइट स्ट्राइप है, ये डार्क। अगर हमारी कोई मसल भी ऐसे ही दिखती हो तो क्या हम उसे स्ट्राइप्ड मसल कह सकते हैं? एक्चुअली यस, हमारी बॉडी में एक स्ट्राइप्ड मसल प्रेजेंट है जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, स्ट्रेटेड मसल। ये मसल बिल्कुल ऐसे ही दिखती है जिसमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, इसलिए हम इसे स्ट्राइप्ड या फिर स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। नाउ स्ट्रेटेड मसल के बारे में हमने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली है कि उसमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। सेकंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मसल इज़ दैट ये जो मसल होती है ये हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स में ही पाई जाती है। वॉलेंट्री ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गन्स जिन्हें हम अपनी विश से मूव कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ, लेग्स को भी मूव कर सकती हूँ, वर्टिब्रा को भी मूव कर सकती हूँ, आईलिड्स को, माउथ को, लिप्स को, टंग को, ये सब क्या है? मेरे वॉलेंट्री ऑर्गन्स। और ये सारे वॉलेंट्री ऑर्गन किस मसल से बने हुए हैं? स्ट्रेटेड मसल से। यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है मेरे स्ट्रेटेड मसल्स। लिम्स, लिम्स मतलब हाथ और पैर, टंग, एब्डोमिनल वॉल। जब आप योगा करते हो तो अपनी एब्डोमिनल वॉल को इजीली मूव कर पाते हो। फेरिंग्स, दिस पार्ट, एंड बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस। सिर्फ बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस यानी कि स्टार्टिंग, जो हमारा ईसोफेगस है, फूड पाइप है, उसके स्टार्टिंग में ही स्ट्रेटेड मसल प्रेजेंट है। नीचे की जो फूड पाइप है या ईसोफेगस है उसमें स्ट्रेटेड मसल नहीं प्रेजेंट है क्योंकि हम उसे अपनी विश के साथ मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। लर्न, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मसल, अगर मैं एक मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहूँ जो मैंने अभी कहा कि वो स्ट्रेटेड मसल है क्योंकि उसमें लाइट और डार्क बैंड है, वो क्यों है ये हम यहाँ पढ़ेंगे। एक मसल आप ऐसे समझ लो, मेरे पास बहुत सारी स्टिक्स हैं। कैसी? एक लाइट कलर की है और एक डार्क कलर की है। अगर मैं 10-10 के बंडल बना दूँ इन सारे के, सपोज़ 10-10 के मैंने 10 बंडल बना लिए और उस बंडल को एक साथ ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरी बन गई स्ट्रेटेड मसल। छोटे से शुरू करूँ तो थिक और थिन या फिर लाइट और डार्क बैंड को जब मैं एक साथ ज्वाइन करती हूँ तो उससे बनता है मायोफाइब्रिल। और बंडल बनाती हूँ तो बनता है मसल फाइबर। उसका और बंडल बनाती हूँ तो बनता है मसल फाइबर बंडल। और जब इन सबको एक साथ ज्वाइन कर देती हूँ तो बनती है मेरी मसल। सबसे पहले अगर मैं सिंपल मसल को देखूँ तो उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है? एपिमाइसियम। मसल फाइबर बंडल के ऊपर होती है पेरीमाइसियम और मसल फाइबर के ऊपर होती है एंडोमाइसियम। इस थिक और थिन मायोफिलामेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बट नॉट इन टुडेज वीडियो। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेड मसल के बारे में। नाउ अगर मैं एक बंडल को देखूं तो उसे हम कहते हैं मसल फाइबर। और ये क्या है? ये फिजियोलॉजिकल यूनिट होती है। जैसे हमारी बॉडी में हर एक जगह कुछ कुछ यूनिट्स हैं जो इंडिविजुअली ग्रुप में कर रही हैं, बट इंडिविजुअली कौन वर्क कर रहा है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल यूनिट। तो मसल में कौन है फिजियोलॉजिकल यूनिट? वो है मसल फाइबर। इसे हम सेल कह सकते हैं बट एक्चुअली ये क्योंकि फाइबर के फॉर्म में है इसलिए हम इसे कहते हैं मसल फाइबर। नाउ इसमें थिन एंड थिक फाइबर्स प्रेजेंट हैं, इसी की वजह से क्या अपीयर होती है? स्ट्रेटेड मसल प्रेजेंट होती है। ये जो लाइट और डार्क बैंड है इसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। सेकंड थिंग, जैसे एक सेल के ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है इसके ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है लेकिन हम उसे साइटोलेमा या सेल की लेयर नहीं बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। ऑलवेज रिमेंबर इस पर्टिकुलर सेल फाइबर की लेयर को बोलेंगे सार्कोलेमा और उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को बोलेंगे हम सार्कोप्लाज्म। सेकंड थिंग,
इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़े, हम जब ज़्यादा मूव करना चाहें तो तुरंत हमें एनर्जी की ज़रूरत है, जो हमें कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसलिए इसमें न्यूक्लियस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हर सेल में होता है वैसे ही यहाँ पर है, बट यहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये अंदर का अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर दिखूँ तो आपको ऐसा दिखेगा। सबसे पहली चीज़ इसके बारे में, स्ट्रेटेड मसल को हम स्केलेटन मसल भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं, यानी कि वो मसल्स जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स के साथ अटैच हैं, हमारा स्केलेटन सिस्टम वॉलेंट्री ऑर्गन्स में आता है। जैसे अगर मैं अपने हाथ को मूव करना चाहूँ तो इसके अंदर का जो क्या कहते हैं इसे, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो बोन्स का स्ट्रक्चर बना है उसे कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके साथ कौन सी मसल्स अटैच्ड है? हमारी वॉलेंट्री मसल्स, हमारी स्ट्रेटेड मसल। क्योंकि हमारी स्ट्रेटेड मसल स्केलेटन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए हम इसे स्केलेटन मसल भी बोलते हैं। सेकेंड थिंग, दे आर वॉलेंट्री मसल, हमें पता है, क्योंकि हम इसे इजीली मूव कर सकते हैं, अपनी विश के साथ मूव कर सकते हैं, इसलिए हम कैसे कहते हैं वॉलेंट्री मसल। थर्ड पॉइंट, ये वाली मसल में जो मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो है वाटर। नाउ मायोग्लोबिन्स आर प्रेजेंट। मायोग्लोबिन मींस हीमोग्लोबिन ऑफ दिस मसल। जो फंक्शन हीमोग्लोबिन का होता है सेम वही फंक्शन मायोग्लोबिन का होता है हमारी मसल के अंदर। हमें पता है हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पूरी बॉडी में। सेम वे में यहाँ पे कौन प्रोवाइड करा रहा है? मायोग्लोबिन। इसलिए इस मायोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन ऑफ आर स्ट्रेटेड मसल। नाउ दिस मसल स्टोर्स ग्लाइकोजन। आपको पता है कुछ मसल्स में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, कुछ में फैट, लेकिन ये क्या स्टोर करती है? ग्लाइकोजन। थर्ड, मसल ऑल्सो कंटेन्स यूरिया, क्रिएटिनिन, एटीपी, फॉस्फोक्रिएटिनिन, बट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है ग्लाइकोजन एंड वाटर। टी ट्यूब्यूल आर द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सार्कोलेमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर को यही समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सार्कोलेमा है, ये एक्चुअली ओपन करके दिखाया हुआ है आपको सार्कोलेमा को, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक्सटेंडेड पार्ट है सार्कोलेमा का। बाहर की जो लेयर है उसी का एक खींच के पार्ट बाकी जो ऑर्गन्स है उससे अटैच्ड है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो अगर मेरी मसल के पास कोई मैसेज आएगा ऊपर सार्कोलेमा के पास आउटर लेयर पे, तो उस मैसेज को मुझे अंदर ले जाना है। अंदर किसके थ्रू जाएगा? टी ट्यूब्यूल्स की तरफ, क्योंकि यही वो लाइन है जिसके थ्रू पूरी जगह ये मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ये टी ट्यूब्यूल क्या है। ये एक्सटेंडेड पार्ट है सार्कोलेमा का। यह एक स्ट्रक्चर आप देखो, ये टी ट्यूब्यूल डायरेक्टली किससे अटैच हो रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली कैल्शियम का स्टोर हाउस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैल्शियम स्टोर है। अगर मुझे कभी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो सबसे पहले मुझे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज देना पड़ता है। वो मैसेज कैसे जाएगा? पहले मैसेज सार्कोलेमा के पास आ जाएगा, फिर सार्कोलेमा टी ट्यूब्यूल्स को ट्रांसफर करेगी, और टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज देगा जिससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा जो प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद थिक फिलामेंट जिसे मायोसिन कहते हैं, थिन फिलामेंट जिसे एक्टिन कहते हैं। ये हमारा सार्कोमियर है, एक वर्किंग यूनिट एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारे मायोफाइब्रिल्स हो गए। नाउ इस वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि हमारी स्ट्रेटेड मसल को स्ट्रेटेड मसल क्यों बोलते हैं, इस स्ट्रेटेड मसल को वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, और इस स्ट्रेटेड मसल को ही हम स्केलेटन मसल बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बाकी के स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है? थिक और थिन मायोफिलामेंट्स की। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू। TutorialsPoint.com, सिंपली इजी लर्निंग।